भाई खुद ही अपने खेत में आ गए और यहाँ से अपना दिए भाई ट्रैक्टर के टायर हमने इसके खोल, ठीक है जी। तो यो टायर जो है भाई अपने वाले 475 में लगाएंगे, अब जा देखेंगे ट्रैक्टर की कैसी लुक आ रही। तो भाई वो ट्रैक्टर हो गया पूरा तैयार, तो भाई बताइयो कमेंट करके ट्रैक्टर की लुक कैसी आ रही है। भाइयो कंपनी वाले जो टायर हैं जो साथ आते हैं ट्रैक्टर के वही लगा दिए, देखो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे पतले से, बिल्कुल ही पजामी सी लग रही, बिल्कुल ही ऐसे पजामी से पहन लियो। यो बेल बॉटम, यो बेल बॉटम लग रही, सही बात है यो बेल बॉटम लग रही। भाइयो आज टायरों के ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो भाई जैसे आप ये ट्रैक्टर सामने देख रहे हो जिसके अगले टायर हैं, तो भाई मॉन्स्टर टाइप टायर हैं ये, चौड़े टायर जिन्हें बोल देते हैं, और जो पिछले टायर हैं भाई वो वही अपने कंपनी वाले टायर हैं, और भाई ने जो है इसके पिछले टायर है वो ज्यादा चौड़े करवा रखे हैं। देखो मरगाडो से भी जो है ट्रैक्टर के काफी बाहर जो टायर चल रहा है, तो भाई जैसे अब जुताई वगैरह का काम चालू होगा तो उसके लिए जो है बिल्कुल नॉर्मल जो कंपनी से टायर आते हैं उस तरीके के ट्रैक्टर टायर जो है वो करवा दिए जाएंगे, क्योंकि भाई जो इस तरीके के जो एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन होती है ये सिर्फ एक दिखने में जो अच्छी होती है, बाकी इनका कोई ज्यादातर कोई यूज नहीं होता, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसके फ्रंट टायर है और मैकेनिकल स्टेयरिंग है ट्रैक्टर में, अगर हम रोड पे तो इतना फर्क नहीं पड़ता ट्रैक्टर को मोड़ने में चलाने में, लेकिन जैसे इस टायरों से जुताई करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ड्राइवर का भाई जोर लगेगा अगर स्टेयरिंग मैकेनिकल स्टेयरिंग है, ठीक है जी। अगर पावर स्टेयरिंग होता तो इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। और दूसरी बात है कि जो पिछले टायर हैं देखो ज़्यादा बाहर कर रखे थे भाई ने, तो वो भी जो है नॉर्मल करेंगे क्योंकि आगे जुताई का जो काम है वो चालू होने वाला है, तो इसमें नॉर्मल जैसे अगर हम सड़क पे चला रहे हो खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे जुताई वगैरह में करेंगे या ट्रॉली वगैरह में ट्रैक्टर चलाएंगे तो कहीं ना कहीं जो है एक्सल पे या इसका जो बैरिंग होता है उस पर ज़्यादा जोर पड़ने की संभावना है, ठीक है जी। सील वगैरह लीक हो जाती है या कहीं ना कहीं जोर पड़ता है, कुछ पीछे क्रैकिंग की समस्या आ सकती है अगर हमारे जो पिछले टायर हैं ज़्यादा चौड़े हमने कर रखे हैं, तो उसको नॉर्मल करेंगे। ओके मैं दिखाता हूँ, तो भाई चेंज करने में लगे हुए हैं पिछले टायर, तो अगर आप चौड़े ज़्यादा टायर करवाते भी हो पिछले तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे आप हैवी हॉलेज में चलाओगे या नॉर्मल हॉलेज में भी चलाओगे और जुताई में चलाओगे तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें। तो भाई वो आपको दिखाता हूँ, जो इस ट्रैक्टर में जो कंपनी के टायर हैं अपने वो आते थे जी 616 के, ठीक है जी। तो ये वाले जो है सुकीनी के लिए डलवा रखे थे भाई ने चौड़े टायर, तो अब ये डलेगा ये वाला जो कंपनी से आता है, और जो पिछले टायर है उसको भी जो है अपना थोड़ा सा नैरो किया जाएगा। ये अब देखते हैं कि जो पिछले टायर हैं उनको घुमा तो दिया है, लेकिन अभी जो टायर है पूरी अपनी जो सही जगह है वहां पे नहीं है, अभी थोड़े से जो है चौड़े रह गए, तो भाई अब क्या करेंगे अब दिखाता हूँ आपको मैं एक बार। तो भाई जो बाहर ला ये पूरा कड़ा है अपना सर्कल है, तो इसको पूरा घुमाएंगे। घुमाने का मतलब ये है कि जो ये वाले नक्के हैं अपने इसको रिम के पल्ली साइड करेंगे, इसको अंदर करेंगे, ठीक है जी। तो 2 इंच के आसपास जो है पैर और अंदर चला जाएगा मरगाड की तरफ, क्योंकि अभी जो है काफी फर्क लग रहा है, तो इसको फर्क को जो है कम करेंगे। भाइयों जहां पहले हम टायर चेंज करवाने चले गए थे भाई, वो मिस्त्री के पास टमी वमी नहीं थी बिल्कुल भी, और हुआ नहीं काम उसका, मतलब कि खुला नहीं टायर, तो भाई खुद ही अपने खेत में आ गए और यहां से अपना दिए भाई ट्रैक्टर के टायर हमने इसके खोल, ठीक है जी। तो यो टायर जो है भाई अपने वाले 475 में लगाएंगे, अब जा देखेंगे ट्रैक्टर की कैसी लुक आ रही। भाइयो कंपनी वाले जो टायर हैं जो साथ आते हैं ट्रैक्टर के वही लगा दिए, देखो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे पतले से, बिल्कुल ही पजामी सी लग रही, बिल्कुल ही ऐसे पजामी से पहन लियो। यो बेल बॉटम, यो बेल बॉटम लग रही, सही बात है यो बेल बॉटम लग रही। भाइयो आज अपने वाले 475 में आगे मॉन्स्टर टायर डालेंगे जो अपने चौड़े वाले हैं जो सामने पड़े हैं भाइयो, तो भाइयो जैक अच्छे तरीके से नहीं लग पा रहा था, तो क्या है कि आगे दूसरे वाले ट्रैक्टर से हाइड्रोलिक लगा के टायर उठा दिए, ठीक है जी।
तो भाई सोनू भाई वाले ट्रैक्टर है जो फार्म ट्रैक 60, इसके जो टायर है ये टायर जो है इस भाई के टायर है, सोनू भाई के टायर है। ठीक है जी, तो डाल के देखेंगे, देखेंगे ट्रैक्टर की जो लुक है वो कैसी आ रही है। ठीक है जी भाइयों, आपको एक बार मैं टायर साइज दिखाता हूँ। जो फिलहाल जो अपने ट्रैक्टर में टायर है वो 6/50/16 के हैं, और जो अब जो टायर डलेंगे वो डलेंगे जी 31/15, मतलब कि 31, 15.5, 15। ठीक है जी, मतलब कि इसकी जो ऊंचाई है वो 15 इंच है, रिम की जो ऊंचाई है ये वाली, ये 15 इंच है, फिलहाल 16 इंच रिम डाला हुआ है। ठीक है जी, तो अगर ये बात कह सकते जो हाइट है, हाइट लगभग सेम सी ही रहेगी, हाइट ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, लेकिन जो चौड़ाई है वो काफी बढ़ जाएगी। तो भाईयो अगर मैं आपको इसकी चौड़ाई की बात करूं तो जो ये वाला टायर है 6/50/16 का, ये मान के चलिए कि 6.5 इंच चौड़ा है, और जो ये मॉन्स्टर टायर है अपना ये है जी 31 इंच चौड़ा। ठीक है जी, और मैंने आपको बता दिया कि सोनू भाई वाले ट्रैक्टर के जो है टायर है ये, तो डाल के देख रहे हैं सिर्फ कि कैसी लुक आ रही है ट्रैक्टर की। भाई अब अगला जो टायर है इंस्टॉल करेंगे। बस 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 रोक लो, चलो भाई। तो भाई ये टायर के जो काबले वगैरह नट वगैरह सारे खुल गए, बस 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 केड़ा लगूगा, आवड़ा लगूगा, आवड़ा लगूगा। लेफ्ट में ना होर चकनी पोगी है, लिफ्ट छड़ होगी। तो भाई एक बार देख रहे हैं अभी कि सुराख वगैरह ठीक आ रहे नहीं, एक बार इकने पा के देखो प्रो। तो लिफ्ट तो छड़ होगी, नहीं 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 चक्के पा दो, चक्का नहीं लगा ना यार, रुक जा इधर, नट सीधे नहीं है यार, हब घूम दिया बस। चलो तो भाई ये देखो, तो भाई ये नट वगैरह टाइट कर रहे, एक बार यहाँ से डिस्टेंस देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि कहीं लग रहा हो। तो भाई बिल्कुल फिट आए, बिल्कुल हब के लारे लग रहा है। आ देखो रे, तो दो उंगल का, दो डेढ़ उंगल का गैप बच रहा देखो यहाँ पे। ठीक है जी, तो कोई दिक्कत नहीं आनी, गारा वगैरह अगर फंस गया तो कोई दिक्कत नहीं आनी यहाँ, कोई स्पेसर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही जो टायर है माउंट हो गया, लग गया। तो भाई वो ट्रैक्टर हो गया पूरा तैयार। तो भाई बताइयो कमेंट करके ट्रैक्टर की लुक कैसी आ रही है। तो वैसे तो कोई ऐसी कहीं अड़ने वड़ने की है नहीं समस्या, रोकी एक मिनट, करे टायर तो नहीं फंस गया कितने, पूरा मोड़ के देख एक बार। इधर से भी कहीं टच नहीं हो रहे, दूसरे पास मोड़ के दिखाई एक बार, तो भाई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि जैसे पिछले जो टायर है अपने रेडियल उससे भी ज्यादा चौड़े हो गए अगले वाले, फुल कटाई हो गई अब इसकी। तो भाई अड़े तो कहीं है नहीं। तो भाई सोनू भाई वाले ट्रैक्टर के ये टायर है, तो सिर्फ ये एक बार डाल के देखने थे कि कैसा ट्रैक्टर का जो लुक है कैसा आ रहा है। थोड़ा सा ट्रैक्टर ऐसा लग रहा है लगा कि थोड़ा सा भारी सा बल्कि सा जो है ट्रैक्टर दिखने लगा। बाकी भाई मुझे तो जो नॉर्मल टायर हैं वो ही ज़्यादा पसंद है। तो भाई वो ट्रैक्टर जो है आगे से खड़ा करके देख रहे हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए, और कोई वजह नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ट्यूशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं।
ओ छोटी ओ छोटी चलो बस